नमस्कार, आज है स्वाधीनता दिवस। आज हम आपके लिए बहुत हेल्दी और बहुत ही एक अच्छा वेजिटेबल का रेसिपी लेकर आया हूँ। इधर हम गाजर काट लिया हूँ, ये है कॉलीफ्लावर जो फूलगोभी है, और ये है बीन्स। देखिए पूरा बराबर साइज में काटा हुआ देख सक रहे होंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ता है। बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छा वेजिटेबल्स आपको बना के दिखाऊंगा, खाने के लिए बहुत अच्छा है। अब पानी इधर बॉयल कर लेना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम सॉल्ट यूज़ किया हूँ, आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें जितना सारा वेजिटेबल्स है पूरा को इसमें डाल देना है। वेजिटेबल जब बॉयल करना है आपको ध्यान रखना है ओवर बॉयल ना हो, तभी अच्छा होगा। और वेजिटेबल्स का जो कलर हो उसको भी ध्यान रख के बॉयल करना है, जैसा कलर इसमें फैट नहीं हो जाए और ये अच्छा रहे। और वेजिटेबल जो पूरा साबुत ऐसा रहना चाहिए, टूट जाना नहीं चाहिए, इसके लिए इसको ओवर बॉयल ना करें। या आप देख सक रहे होंगे गाजर जो है कितना अच्छा कलर है, और बीन्स भी इधर मेरा देखिए बॉयल हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक जाली में इसको छान लेना है, और संग संग इसको ठंडा पानी में इसको वाश करना है। आप चाहे तो आइस का पानी में भी इसको कुछ टाइम भिगो कर रखें तो और भी अच्छा कलर रहेगा, इसका कलर बहुत ही अच्छा रहेगा, आप खाने के लिए बहुत अच्छा होगा। आप मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इधर पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे। आप वेट लॉस करने चाहते तो ये रेसिपी आपके लिए भी है, मगर इसमें बटर आप बहुत ही कम यूज़ करें, ना यूज़ करें भी वो चलेगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा 1 टेबल स्पून हमको गार्लिक ऐड करना है। गार्लिक को ज़्यादा चॉप नहीं करना है, और थोड़ा इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे। अब गार्लिक और ग्रीन चिली को हल्का इसमें टॉस करना है, ज़्यादा ओवर टॉस नहीं करना है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वेजिटेबल में रहना चाहिए, तभी आपको जो वेजिटेबल्स खाने के लिए अच्छा लगेगा। अब इसमें जो बॉयल वेजिटेबल्स है इसमें ऐड कर दूँगा, और थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड करूँगा। आप इसको एक बार ज़रूर घर में बनाइए, आप इसको इवनिंग टाइम में भी खा सकते, लंच में भी खा सकते, कोई भी टाइम इसको आप खा सकते। और थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर भी हम यूज़ करूँगा इसमें, और इसमें ब्लैक पेपर डालने के बाद इसको अच्छा तरीका से स्लो फायर में इसको टॉस करना है। थोड़ा जैसा रोस्ट टाइप का हो जाए उसे इसको करना है, इसको लगातार इसको हिलाते रहना है, और स्लो फायर में जितना इसको पकाएंगे थोड़ा सा हल्का इसमें गोल्डन कलर आना चाहिए, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर आपका बीन्स और गाजर, और थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो टॉस होगा तो आपको खाने के लिए अच्छा लग रहा है। यह आप देख सक रहे होंगे, देखिए इस कैसा मेरा ये जो आपका वेजिटेबल्स है थोड़ा सा हल्का इसमें फ्राई हो रहा, थोड़ा रोस्ट टाइप का हो जाएगा तभी आपको ये अच्छा लगेगा। वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ऐसे नया नया और मज़ेदार रेसिपी के लिए। आप देख सक रहे होंगे कितना अच्छा कलरफुल वेजिटेबल्स है। आज है 15 अगस्त, आपके ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसमें ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल देना, और इसको अच्छा तरीका से मिक्स करना है। आप देख सक रहे होंगे एकदम लाजवाब है। घर में आपका जो ये ग्रिल वेजिटेबल्स है आप सब मिलके इसको खा सकते हैं, एजेड आदमी है, बच्चे लोग, आप लंच टिफिन बॉक्स में भी इसको ले सकते हैं, इवनिंग टाइम में भी आप खा सकते हैं। आपको वेट लॉस का आपका करना है तो रेसिपी आपको पसंद है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ऐसे नया नया रेसिपी के लिए।